धन्यवाद। रावी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास तीन ही चेयर का जुगाड़ था, तो आप इधर आ जाइए। जोरदार तालियां रानी जी के लिए। आइए इस घर में। आइए सर, आप रानी जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। मैं डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, आपका बहुत बहुत स्वागत। विराज मान लो। तो चलिए रानी जी ने अमित जी के साथ ब्लैक में काम किया था, फिर अमित जी ने पिंक में काम किया था। अब कौन से कलर में अगली फिल्म आ रही है? रानी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आप रानी मुखर्जी हैं, और अगर आप किसी बात से मुकर जाएं तो आप रानी मुखर्जी हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा। रानी जी, आप आए हैं तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो हींग खा लीजिए। नहीं आप जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। आप सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चला। कृपया मुझे इजाजत दे, मैं थोड़ा बोल सकता। ठीक है बोलिए। नहीं तो कार्यक्रम आगे भी बढ़ पाएगा, अभी तो 10 कदम सारा बाकी है। तो रानी जी, अगला सवाल आपसे। जी। शाहरुख साहब और सलमान साहब 1 अरब जीत चुके हैं, जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपसे। सल्की जो सर से वो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे क्यों सरक रही है? वो फास्ट फास्ट भी सरक सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये 10 कदम नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। ए, 4G की स्पीड नहीं थी इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। बी, क्योंकि चुनरी का फेवरेट गाना था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कैसी वो चुनरी नहीं, सरकारी फाइल है इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। रंग भी चलता रहना चाहिए, देखिए मीनिंगफुल बातें भी चलती रहनी चाहिए। और डी, क्योंकि चुनरी एजुकेटेड है, उसको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सच में जवाब चाहते हैं? चाहते तो हैं। अगर मिल जाए तो छोटा सा, कोई मोटा सा नहीं, ये भाई आज सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती। फ्लाइंग किससे भी जवाब दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार के हकदार हुए डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलती है ये सीडी। स्मार्ट तो आप हैं ही, तो स्मार्ट सिटी। अगला सवाल आप तीनों से जो भी जवाब देना चाहे जल्दी से दे दें। हर 3 सवाल बाद ये बजाते हैं। Oh my God. अगला सवाल करण अर्जुन के बारे में है। बहुत ही प्रख्यात फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पसंद किया है आपको करण अर्जुन के पात्रों में, अभी भी याद करते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे फिल्म में, राखी जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे बार बार कहती रहती, क्यों था उन्हें ये इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस? Thank you.
आपके ऑप्शंस हैं ए जाते टाइम उन्होंने रिटर्न टिकट करा के दिया था इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे आएंगे बी फिल्म का नाम करण अर्जुन था इसलिए करण अर्जुन ही वापस आएंगे बबलू और गुड्डू तो आएंगे नहीं सी वो कौन सा लोन लेकर गए थे जो वापस दे आएंगे या फिर डी आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी <आ? laughs>